टुडे वी विल स्टडी अबाउट म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, ये देखेंगे आज की वीडियो में. लेकिन उससे पहले देखो, हम ये पढ़ चुके हैं, एक होता है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज. दोनों का हार्वर्ड प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन दोनों ही हमने ड्रॉ करके देख लिए थे अपनी प्रीवियस वीडियोज में. एक बार और देखते, देखो ये होता है हार्वर्ड प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोज. यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर फर्स्ट पे H ऊपर होगा, OH नीचे की साइड. इन अल्फा ग्लूकोज OH इसमें नीचे की साइड होता है. बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर वन पे OH है वो ऊपर की साइड होता है, H नीचे की साइड होता है. तो इन सिर्फ कार्बन नंबर वन पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है. तो इस कार्बन नंबर वन को जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक कार्बन. तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर वन, अदरवाइज ऑल अदर कार्बन हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन. ये कार्बन नंबर टू पे यहाँ पे आएगा H, नीचे की साइड OH, थर्ड पे ऊपर OH, नीचे H, यहाँ पे H OH और यहाँ पे हो गया CH2OH और H. इसमें देखते हैं सेम एज इट इज रहेगा, H OH, OH H, H OH एंड हेयर कार्बन नंबर फाइव पे CH2OH एंड H. तो हम ये देखा था हमने कि अगर CH2OH और OH ट्रांसपोजिशन पे हो, ट्रांसपोजिशन पे हो उसको बोलते हैं हम अल्फा ग्लूकोज, एंड CH2OH एंड OH अगर सिस पोजिशन पे हो, दोनों ऊपर की तरफ हो, उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज. तो जो अल्फा ग्लूकोज होता है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होती है प्लस 112 डिग्री. और ऑप्टिकल रोटेशन इसका मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है कि ये राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है एट 112 डिग्री एंगल. अल्फा ग्लूकोज की होती है एट 112 डिग्री एंगल, ये ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू. और बीटा ग्लूकोज की होती है प्लस 19.7 डिग्री. ये भी एंटी क्लॉक, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, बट इनका जो एंगल है वो होता है 19.7 डिग्री टुवार्ड्स राइट की तरफ लाइट प्लेन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज. और अल्फा ग्लूकोज जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में ही रोटेट करे बट एट द एंगल ऑफ 112 डिग्री. तो ये इसकी ऑप्टिकल रोटेशन होगी, ये इसकी ऑप्टिकल रोटेशन होगी. लेकिन अगर इसी अल्फा ग्लूकोज को हम वाटर में मिक्स कर दें, वाटर में मिक्स कर दें तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और बाद में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होके 52.7 डिग्री हो जाती है. 112 डिग्री से 52.7 डिग्री हो जाती है टुवार्ड्स राइट. और बीटा ग्लूकोज को भी अगर वाटर में मिक्स कर दे तो उस केस में उस सॉल्यूशन की जो ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू होती है वो भी होती है 52.7 डिग्री. और अगर हम अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज इसका सॉल्यूशन ले इन वाटर, अल्फा ग्लूकोज भी लिया, बीटा ग्लूकोज भी लिया और वाटर में ये ऐड किया, तो इनकी भी जो इक्विलिब्रियम पे ऑप्टिकल रोटेशन होती है दैट इज 52.7 डिग्री. यानी ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को 52.7 डिग्री राइट की तरफ रोटेट कर देते हैं. तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन. एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. तो इसकी डेफिनेशन होगी द चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन अदर प्रॉपर्टीज. सिर्फ एंगल में चेंज आएगा, दूसरी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा. So the change in angle of rotation of an optically active substance without any change in other properties with the passage of time to equilibrium mixture is known as muta rotation. Time के साथ angle of rotation में change आ जाना, और किसी property में कोई change नहीं आता, सिर्फ angle of rotation में. और ये optically active substances के case में होता है, the substance which is optically active. तो सिर्फ glucose के लिए नहीं है, सभी जो carbohydrates होते हैं optically active carbohydrates उन सब में होता है muta rotation. सब में क्या होता है, विद द पासेज ऑफ टाइम उनके एंगल ऑफ रोटेशन में चेंज आ जाता है. दैट फिनोमिना इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. म्यूटा वर्ड का ही मतलब होता है चेंज आना, रोटेशन मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन में चेंज आना, म्यूटा रोटेशन. तो जैसे यहाँ पे हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, तो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर ये सेटअप हो जाता है. अगर सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज है तो उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट इज प्लस 112 डिग्री. अगर एक बीटा डी ग्लूकोज है तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन है 19.7 डिग्री. लेकिन इक्विलिब्रियम मिक्सचर हो इन दोनों का, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन हो जाती है 52.7 डिग्री. दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूटा रोटेशन.
आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ म्यूटर रोटेशन, इट इज गिवन बाय लोवरी इन 1925। इसमें क्या था, म्यूटर रोटेशन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट लाइक H2O व्हिच कैन एक्ट बोथ एन एसिड एंड ए बेस। मतलब बेसिकली एक ऐसे सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है म्यूटर रोटेशन जो कि एक एम्फोटेरिक हो, एम्फोटेरिक मतलब कि जो एसिड की तरह भी एक्ट कर सके और बेस की तरह भी। तो इसमें क्या है, वाटर, वाटर एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है विच कैन एक्ट एज बेस एंड एज एसिड बोथ, दोनों की तरह ही एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में होता है म्यूटर रोटेशन। सेकेंड इसने कहा था कि ड्यूरिंग म्यूटर रोटेशन द रिंग ओपन्स, तो जो रिंग स्ट्रक्चर होती है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में वो रिंग ओपन होती है एंड देन रीक्लोज इन द ओरिजिनल पोजिशन। तो जो मिक्सचर होता है उसमें हमारा अल्फा ग्लूकोज भी होता है, बीटा ग्लूकोज भी होता है, ओपन चेन फॉर्म भी होती है ग्लूकोज की। देखो ये है हमारा जिसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH राइट साइड में है, दैट इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी म्यूटर रोटेशन, इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू दैट इज +112 degrees। ये अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, इसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH हमारा लेफ्ट साइड में हो, दैट इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है +19.7 degrees। और ये है हमारा ओपन चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन फॉर्म। और इसकी ऑप्टिकल रोटेशन ये की वैल्यू होती है, ये इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद 52.7 degrees टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ 52.7 degrees पर रोटेट कर देते हैं। तो ये है, ये होता है हमारा मिक्सचर पूरा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन फॉर्म। इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये 38% प्रेजेंट होती है, बीटा डी ग्लूकोज है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, बीटा डी ग्लूकोज ये 62% प्रेजेंट होती है, और इसकी जो प्रेजेंस है वो दैट इज ओनली 0.02%, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ओपन चेन फॉर्म। इसमें क्या होता है कि आपने अल्फा डी ग्लूकोज में एम्फोटेरिक सॉल्वेंट डाला, वाटर डाला, तो क्या होता है कि ये रिंग की ओपनिंग हो जाती है, यहाँ से रिंग की ओपनिंग हो जाती है और वापस से हमें ओपन चेन फॉर्म मिल जाती है, और फिर ओपन चेन फॉर्म में फर्दर से रिंग की क्लोजिंग हो जाती है, रिंग क्लोजिंग होने के बाद बीटा डी ग्लूकोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोज से हम बीटा डी ग्लूकोज मिल सकता है, ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज से भी अल्फा डी ग्लूकोज मिल सकता है। जैसे इनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा इन तीनों फॉर्म के बीच में, तो उस केस में इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है ये हो जाती है +52.7 degrees। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि अल्फा डी ग्लूकोज 38% होता है, बीटा डी ग्लूकोज 62% होता है, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। इस चीज़ को हम समझेंगे चेयर कन्फर्मेशन की हेल्प से, इनका चेयर कन्फर्मेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो देखते हैं कैसा होता है। इनकी हम चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो ये होती है हमारी चेयर कन्फर्मेशन इस तरह से, ये है ये चेयर कन्फर्मेशन है, इसमें ये छह कार्बन होते हैं, इसमें छह रिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि इस वाली पोजीशन को कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, इस कार्बन की ये पोजीशन, इस वाले कार्बन की ये पोजीशन इक्विटोरियल, इस कार्बन की ऊपर वाली, इसकी भी ऊपर वाली, इसकी ये और ये, इनको तो बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। लेकिन अगर एक होती है एक्सियल पोजीशन, दो पोजीशन होगी ना इस कार्बन पे, इस पे दो ग्रुप अटैच हो सकते हैं, एक तो ये हो गया एक ये, तो इस पे और फर्दर दो ग्रुप अटैच हो सकते हैं, तो उनमें ये वाला जो ग्रुप होगा दैट इज नोन एज एट इक्विटोरियल पोजीशन, ये तो हो गया इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन होता है, एक तो ये हो गया इस कार्बन का ये वाला जो पोजीशन होगी दैट इज नोन एज एक्सियल पोजीशन, इस वाले कार्बन की ये पोजीशन एक्सियल पोजीशन, इसकी नीचे वाली, इसकी भी नीचे वाली, इन कार्बन की ऊपर वाली और इसकी ये नीचे वाली, दैट इज नोन एज एक्सियल पोजीशन एंड दैट इज नोन एज इक्विटोरियल पोजीशन। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो बल्की ग्रुप होते हैं दे आर मोर स्टेबल एट इक्विटोरियल पोजीशन, अगर वो इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है जब बल्की ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे हो। तब इनका ड्रॉ करते हैं, इसमें जो ऊपर होगा दैट विल कम टू इक्विटोरियल पोजीशन, और जो ग्रुप नीचे की साइड है दैट विल कम टू एक्सियल पोजीशन। तो इनका ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पे ही हमने ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिया, इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा कार्बन नंबर वन, ये वाला कार्बन, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6, तो इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 और इस पे 6 वाला लगेगा। तो फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर की तरफ है, सॉरी H ऊपर की तरफ है, तो H आएगा एट इक्विटोरियल पोजीशन एंड OH आएगा एट एक्सियल पोजीशन। इसमें H ऊपर की तरफ है, देन इट विल कम टू
एंड इट विल कम टू हेयर। इस वाले में देखो थर्ड में OH ऊपर की तरफ है, इट विल कम टू हेयर इक्विटोरियल पोजिशन एंड H विल कम टू हेयर। इसमें देखो हर केस में ये ध्यान रखना, ये नहीं कि इसमें ये ऊपर की तरफ होगा तो ये एग्जैक्ट पोजिशन, ये ध्यान रखना। देखो ये चीज ऊपर है तो ये इधर ऊपर शो होगी, ये चीज नीचे है तो इधर नीचे शो होगी, ये वाले में ये H ऊपर की तरफ है तो इस पे कार्बन पे H ऊपर की तरफ शो करना है और OH नीचे की तरफ शो करना है। बाद में देखेंगे कौन इक्विटोरियल पे आया कौन एक्सियल पे आया। इस वाले कार्बन पे ये OH है ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ शो होगा। इसमें देखो फोर्थ कार्बन पे OH नीचे की तरफ शो है तो इस कार्बन का जो नीचे वाला वो ये होगा OH नीचे एंड H ऊपर, और इस पे CH2OH ऊपर है तो ये हो जाएगा CH2OH और ये H नीचे की ओर। ये हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज चेयर कन्फर्मेशन फॉर्म में। बीटा डी ग्लूकोज देखते हैं, OH ऊपर की तरफ है तो इस कार्बन पे OH ऊपर की तरफ आएगा, H आ गया नीचे की तरफ। इस कार्बन पे H ऊपर की तरफ है OH नीचे तो ये आ गया H ऊपर OH नीचे। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर है यानी OH ऊपर H नीचे। फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे यानी H ऊपर OH नीचे। फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर और H नीचे। ये हमने ड्रॉ कर लिया दोनों ही अल्फा डीग्लूकोज एंड बीटा डीग्लूकोज। अब इसमें देखते हैं, देखो इसमें ये OH हमारा ये एक्सियल पोजीशन पे है, सॉरी एक्सियल यानी A से डिनोट करेंगे, ये एक्सियल पोजीशन पे है। इसमें ये वाली पोजीशन क्या होती है एक्सियल, ये भी एक्सियल पोजीशन पे है। इसमें ये इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है और ये CH2OH बल्कि ग्रुप, ये भी हमारे ये इक्विटोरियल है। तो इसमें कुल मिला के जो बल्कि ग्रुप देख रहे हैं, सिर्फ बल्कि ग्रुप, तीन बल्कि ग्रुप तो इक्विटोरियल पे है और दो बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, तीन बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे और दो बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे। इसमें देखते हैं ये वाला हो गया OH हमारा बल्कि ग्रुप है, ये इक्विटोरियल पोजीशन होती है तो ये इक्विटोरियल पे हो गया, ये एक्सियल पे, ये इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल और ये भी इक्विटोरियल। तो इसमें क्या है, चार बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे है और एक एक्सियल पोजीशन पे। तो कुल मिला के हमने क्या कहा था, बल्कि ग्रुप मस्ट बी एट इक्विटोरियल पोजीशन। तो इस केस में बीटा ग्लूकोज जीत गया क्योंकि इसमें चार ग्रुप तो इक्विटोरियल पे है, सिर्फ एक एक्सियल पे, इसमें सिर्फ तीन है इक्विटोरियल पे, दो एक्सियल पे। तो दैट इज व्हाई बीटा ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसीलिए जब इनकी वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का, तो उस केस में ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर होता है। ये अबाउट 38% होता है और ये होता है 68%, 32 एंड दिस इज 68, सॉरी ये वाला होता है 38% एंड दिस इज 62%, और बहुत कम अमाउंट में 0.02% में ओपन चेन फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से समझते हैं कि म्यूटेट रोटेशन में किस तरह से रिंग ओपनिंग होती है। देखो ये हमने यहाँ पे एक बार फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे ये एच ओ एच एच ओ एच, हमें सिर्फ इसका काम है, बाकी का एज इट इज होगा, हम सिर्फ ये वाला देखते हैं। देखो क्या होता है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं एच टू ओ, एक एम्फोटेरिक सोलवेंट है, ये क्या करता है एम्फोटेरिक है तो ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी, तो ये एसिड की तरह एक्ट करता है तो ये एच प्लस डोनेट करता है, इट कैन डोनेट एच प्लस आयंस, और जब ये बेस की तरह एक्ट करता है उस केस में ये H प्लस आयन एक्सेप्ट भी करता है, इट कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस आयन, दैट इज नोन एज इट इज एम्फोटेरिक सोलवेंट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है तो वाटर क्या करता है अपना H प्लस डोनेट कर देता है और ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाता है, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये रिंग ओपनिंग हो जाती है, ये खुल जाता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये रिंग ओपनिंग हो जाती है और इस कार्बन पे आएगा तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाता है लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर क्या होता है कि वाटर अपना OH आयन OH नेगेटिव यहाँ पे दे देता है, यानी बेस की तरह भी एक्ट कर गया, OH नेगेटिव दे दिया, H प्लस एक्सेप्ट करे या फिर OH डोनेट कर दे, दोनों ही बेस की कंडीशन होती है, तो इसमें ये OH यहाँ पे दे देगा। तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, अगर ये कार्बन हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये H है, इधर ये पूरा ग्रुप अटैच है ये वाला, यहाँ पे OH और एक और OH आ गया, तो एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते तो उस केस में क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाता है और यहाँ पे H और ये डबल बॉन्ड O और H, तो ये पूरा ग्रुप, तो ये क्या होता है फिर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है,
एल्डिहाइड यानी ओपन चेन फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ से रिंग तो ओपन हो गई, ये रिंग तो ओपन होगी तो क्या होता है वो आपस से ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ओपन चेन फिर से स्टेबल नहीं है तो फिर से क्या करेगा ये यहाँ पे डोनेट करेगा और ये वापस से हमारी रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, बीटा डी ग्लूकोज बन जाता है। तो अल्फा डी से पहले इंटरमीडिएट बनेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर और फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर से बीटा डी ग्लूकोज बन जाता है। तो इसलिए क्या होता है इनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। जब पूरी तरह से इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है उसके बाद जो ओवरऑल मिक्सचर है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन हो जाती है 52.7 डिग्री, 50 + 52.7 डिग्री। जब ये रिंग ओपनिंग होके एल्डिहाइड बनता है, ओपन चेन फॉर्म बनता है, तो ये नहीं कि सिर्फ बीटा फॉर्म में जाता है, ये वापस से अल्फा में भी कन्वर्ट हो सकता है, वापस से बीटा में भी, इनकी दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो ओवरऑल एक जो हमारा मिक्सचर में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। उस इक्विलिब्रियम के सेटअप होने के बाद, मतलब वो कुछ टाइम लगता है इक्विलिब्रियम के सेटअप होने में, उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन हो जाती है हमारे मिक्सचर की +52.7 डिग्री। तो ये था हमारा म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।